पलवल रसूलपुर मार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर यहां पर जो कॉलोनियों के लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग धरने पर बैठ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल रसूलपुर मार्ग है जहां से सैकड़ों गांवों के लोग यहां से गुजरते हैं। इस मार्ग पर जो रेलवे फ्लाईओवर बनना है पिछले 4 साल से निर्माणाधीन है, लंबे समय से जो लंबित पड़ा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बारिश के दिनों में यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से कई स्कूल हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, दिन भर यहाँ धूल उड़ती है, तो ऐसे में लोगों को जिस अब काफ़ी परेशानियाँ होने लगी हैं। कई बार इन्होंने यहाँ से स्थानीय जो नेताओं से बात करी, विधायक से बात करी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी इस बारे में मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लगातार समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये वो फ्लाईओवर है जो सामने लंबित है पिछले लगभग 4 साल से। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। आगे लोहर गाँव है, इधर जो कॉलोनी के लोग हैं तो जब यहाँ से निकलते हैं आते जाते हैं, यहाँ से दर्जनों गांवों का रास्ता भी निकलता है, पिछले 4 साल से काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे हैं। ऐसे में अब इसके विरोध में यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है, अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना किया है। रसूलपुर रोड को जो ये है फ्लाईओवर उसको बनवाने के लिए हम बात करेंगे। किस तरह से आप जब क्या प्लानिंग है धरने पर बैठते हैं? लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। हमारे आगे की जो तैयारी है ये जनहित का मुद्दा है, और जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार है खासतौर पे, दोनों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारा सरकार है, मुख्यमंत्री कमजोर है। 8 महीने का टाइम देकर ये लोग इस पुल को भूल गए हैं। इस पर 5 मौतें हो चुकी हैं, हादसे हो चुके हैं, लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार सोई हुई है। इसको जगाने के लिए क्षेत्र की जनता एकजुट होकर पिछले 7 दिनों से यहाँ धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। और अगर सरकार नहीं मानी, नहीं सुनी और सरकार के प्रतिनिधि जल्द हमारे बीच नहीं पहुंचे और काम तेजी से शुरू नहीं किया, तो हम गांव गांव गली गली जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का और भगाने का प्रयास करेंगे। पुल तो बनकर रहेगा और हर हालत में बनकर रहेगा। इस तरह परेशानियां होती हैं, यहां पर स्कूल भी हैं, कई छोटे छोटे बच्चे परेशानी होती है। कौन कौन से गाँवों को रास्ता निकलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग इससे परेशान होते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ से हसनपुर के लिए लोग जाते हैं, इससे आप अंदाजे लगा सकते हैं कि करीब 50 से 55 गाँव जो पड़ते हैं पूरे हसनपुर तक, पूरी बैसराज क्षेत्र के लोग जाते हैं। और 5 मौतें, दुखद घटना है, मुझे कहने में भी बहुत संकोच होता है, 5 मौतें हुई हैं इस दुर्घटना, इसी की वजह से आप अंदाजा लगा सकें इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। शिकायत करी होगी या फिर जो स्थानीय नेता हैं या मंत्री हैं जो कृष्णपाल गुर्जर से मिले, फिर क्या आश्वासन मिला यहाँ के लोगों को? सरकार आश्वासन के सिवा और देती का? पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कल भी बजट पास हुआ था, अभी 4 दिन पहले, सरकार तो बुलेट ट्रेन को भूल गई, सरकार तो 2 करोड़ नौकरियों को भूल गई, सरकार तो स्मार्ट सिटियों को भूल गई, सरकार को हमारी मौतें कहाँ दिखती हैं? अगर सरकार का एक प्रतिनिधि को बुखार भी चढ़ जाता है तो उनको पूरी अलर्ट पे आ जाते हैं। सब किसान प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको गाड़ी 5 मिनट लेट हो गई, तो आप फ्लाईओवर की करेंगे? कब से लंबित है? लगभग जैसे 4 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में तो क्या क्या परेशानियां यहाँ के लोगों को होती है? जिला उपायुक्त से मिले होंगे, अधिकारियों से मिले होंगे, क्या आश्वासन मिला है? हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। आगे क्या रहेगा, क्या कार्रवाई रहेगी अगर आपका धरना ही लगातार यूँ ही चलता रहता है, अगर आपकी बात नहीं बनती है, इसका काम अच्छे से शुरू नहीं होता है, नहीं बनता है जल्दी से, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे लोग? देखिए, अनिश्चितकालीन धरने की एक कमेटी तैयार की जा रही है जो हर नेता से संपर्क करेगी, किसी भी पार्टी का। हमारा है जनहित का मुद्दा, हमें पार्टीबाजी में नहीं पड़ना, कोई किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सभा के यहाँ सहयोग देंगे। और सरकार जो इस टाइम बैठी है, जो इस समस्या का हल कर सकती है, सरकार तक हम अपनी बातें पहुँचाएंगे, ये समिति पहुँचाएगी अपनी बात। अगर सरकार नहीं आएगी तो सीधी सी बात है, जनता का मुद्दा है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को एकजुट करेंगे, रोड पर आएंगे। किस तरह से परेशानियाँ होती हैं लोगों को? सर, मेरा नाम शुभनाम सुंदर, मेंबर बड़ौली से हैं, और हमारे जो समस्त बैसलात हैं सारी दुखी हैं, खासकर सबसे ज़्यादा 4 बजे जो हमारे दूधिया दूध लेके दिल्ली जाते हैं, वो कई किलोमीटर की दूरी से चक्कर काट के जाते हैं, और हमारी जो महिलाएं हैं उनका गर्भवती है जो वे आती है, इसका 30 मिनट का रास्ता है एम्बुलेंस का कुशक से, जबकि ये 1.5 घंटे में सरकारी हॉस्पिटल पहुँचती है। इतनी परेशानी है जी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और जितने भी गांव हैं हमारे समस्त बैसलात में, रसूलपुर, बड़ौली, छज्जूनगर, डकोरा, केला, कोसाक, काशीपुर, लहरपुर, फाटनगर, सतवागढ़ी, हसनपुर, मतलब अतवा बलोचपुर, लास्ट हसनपुर है जिसका, ये कम से भी कम 70 के गाँवों के फेर के ये गाँव हैं, और जबकि 5 से 10
1000 की बस्ती है हमारी हरिनगर कॉलोनी रसूलपुर फाटक की पल्ली तरफ है। और भी लोगों से बात करेंगे, यशपाल जी क्या कहोगे इस बारे में जो धरना चल रहा है, किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, जो इस फ्लाईओवर से लगते हुए गांव है, इस क्षेत्र को बैसलात कहा जाता है और बैसलात के लोगों का मुख्य पेशा दूध का है। वो दूध यहाँ है, अपना दूध दिल्ली तक ले जाते हैं, लेकिन उन्हें लगभग 10 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। यहाँ बहुत दचकी हैं, उनकी सवारियाँ भी टूट चुकी हैं, उनका जीवन यापन काफ़ी दुर्लभ हो चुका है। इस लाइन में जो दुकानें हैं, ये रोजाना यहाँ बैठे बैठे 1 किलो से ज़्यादा तो धूल को खा जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। हुआ होगा, ये दुकानें हैं जो आसपास सारी, जब यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे नहीं तो फिर ग्राहक कैसे आएंगे, कामकाज प्रभावित होगा? बिल्कुल प्रभावित हुआ है, इन लोगों की रोजी रोटी इनकी छिन गई है, ये लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। इस फ्लाईओवर को पार करने में एक कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है। इसकी वजह से पूरा क्षेत्र और बैसलात तक ये सभी लोग बेहद परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी इसको लेकर? अभी हमारी जो 11 सदस्यीय टीम एक हमने गठित कर ली है, अभी हमारा इरादा ये है कि हम गांव-गांव में जाकर इस मैसेज को पहुंचाएंगे ताकि उधर से पूरे क्षेत्र के लोग इसमें बैठें, सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने। अगर आकर हमको इस बात का आश्वासन नहीं दिया जाता है, काम शुरू नहीं होता है, तो उसके बाद हम जुलूस भी निकालेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब ये पुल बनवाना पड़ेगा, शुरू करवाना पड़ेगा इसका काम। स्थानीय निवासी हैं तो किस तरह की समस्याएँ हैं इसके, जो रोड का ये निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, फ्लाईओवर अधूरा पड़ा है, तो यहाँ पे जैसे दुकानदार हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बारिश के, किस तरह? ऐसा है सर, यहाँ ना बहुत ज़्यादा परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, दुकानदार जो किराए पे बैठे हुए हैं वो अपना किराया नहीं दे सकते, जब उनकी सेल ही नहीं होगी तो वो किराया कहाँ से देंगे। और क्या नाम है, जैसे कि यहाँ से बड़े बूढ़े बातचीत करी होगी, क्या कहते रहे अधिकारी हो या स्थानीय नेता हो, क्या कहते रहे, कोई आश्वासन दिया कब तक करेंगे इस काम को? आश्वासन कुछ नहीं देते, मीठी बात कर देते, हाँ जी 3 महीने में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा, साल में बन जाएगा, इस तरह की बात करते हैं, लेकिन काम बिल्कुल ही कछुओं की धार से भी कम कीमत पे चल रहा है। कब तक बैठ रहेंगे आप लोग? हम तो अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं, हमें चार रोड जाम करना पड़े, रेल जाम करनी पड़े, या हमें पानी का बूस्टर बंद करना पड़े, इतने ये बंद चले, काम चालू नहीं होगा। 7 दिन हो गए, इस बीच बातचीत हुई, कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ अभी तक। 7 दिन से लगभग आपका धरना चल रहा है, कोई आपसे बातचीत नहीं हुई, किस तरह की परेशानियाँ रहती हैं? यहाँ के लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, और स्कूल जाने वाले बच्चों को या फिर आसपास के लोग किस तरह की परेशानियाँ देख रहे हैं? मैं कर्नल दयाराम यहीं रसूलपुर रोड का निवासी हूँ। यहाँ पर रहने वालों की जो रोज़गार इतने ख़त्म हो गए हैं कि जो दुकानदार हैं वो भी बेचारे शाम चटनी रोटी शायद कमा पाते होंगे, और कितनी दिक्कतें हैं जो कि यहाँ से हसनपुर तक के लोगों के जो पलवल आते हैं उनके लिए 10 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे बड़े ही शर्म की बात है कि यहाँ पे हमारी कुछ महिलाओं की डिलीवरी तो रास्ते में ही हो गई है, कुछ मौतें हो गई हैं पड़ोसी हरिनगर से, अपने रोनी जैसे और लोहागढ़ से। बारिश के तो जो समय होता है, बारिश होती है, तो वो किस तरह के हालात होते हैं? बारिश के टाइम पर तो यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, चक्कर काट काट करके लोग आते हैं, स्कूल के जाने वाले बच्चों के यहाँ पे या तो उनको बच्चों को उनके पेरेंट्स भेजते ही नहीं हैं, भेजते भी हैं तो अपने कंधों पर ले जा करके वहाँ पर छोड़ कर आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उनको डर भी लगता है। 4 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा समय है, इस बीच कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला, कोई काम करने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया यहाँ पे कोई अधिकारी? नहीं, आते तो हैं, सभी आते हैं, मंत्री महोदय से भी, जो अपने कृष्णपाल गुर्जर जी से भी, यहाँ पे बड़ौली में भी कहा गया, पलवल में भी उनसे गुजारिश की गई है, अपने जब मंगला जी यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनको भी ये कहा गया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन को जरूर कहेंगे, लेकिन कछुए से भी धीमी चाल। क्या कहोगे इस बारे में जो अब धरना चल रहा है, कितना आगे बढ़ेगा, किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी और क्या असर होगा इसका? देखो जी, अभी तक हमें आज 7वां दिन है यहाँ धरने पर बैठे हुए इस काम के लिए, तो 7 दिन में जो हमें उम्मीद थी कि भाई शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकार से कोई भी व्यक्ति बातचीत करने के लिए आएगा, परेशानी पूछेगा, तो ऐसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है। तो अभी परेशानियां तो सब बता चुके हैं आपको, सारी पता है, 4 साल से बहुत परेशानी है, परेशानियां तो बार बार मैं क्या बताऊं। बाकी हमारा जो आगे का प्लान ये है जी, कल शॉप भी है यहाँ पर, तो किस तरह की परेशानी है दुकानदारों को, काफ़ी दुकानें तो यहाँ बंद नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हो, वहाँ भी दुकानें बंद हैं,
पीछे भी दुकानें बंद हैं, तो काम किस तरह से प्रभावित हुआ यहाँ पे? लगभग 4 साल बहुत लंबा अरसा होता है काम का। तो मैंने आप पहले बताया था कि 4-5 दुकानदार तो ऐसे हैं जो परमानेंट दुकान बंद करके यहाँ से जा चुके हैं, जो 10-10, 15-15 साल से यहाँ पर दुकानें चला रहे थे जिनका अच्छा काम था। क्योंकि रोड ब्लॉक होना बहुत बड़ी होती है परेशानी किसी भी मार्केट के लिए। रोड है इसीलिए मार्केट है यहाँ पर, जब रोड ही बंद पड़ा है तो मार्केट कहाँ से रहेगी? ये तो मार्केट की समस्या होगी। सबसे बड़ी समस्या जो फाटक के बिल्कुल नज़दीक लोग रह रहे हैं, हरिनगर में, लोहागढ़ में, रौनी जी में, उन लोगों के लिए तो एक समझो कि पलवल में रहना, वो कहते हैं ना कि हमारा जीवन रेल की पटरी पास रहे और मिल ना पाए, वो ना तो यहाँ आने के लिए उनको 5-15 किलोमीटर चक्कर काटना पड़ेगा जो पलवल के बिल्कुल नज़दीक है। अगर उनको कोई परेशानी बनती है अस्पताल संबंधित, कोई बीमारी किसी और भी तरीके की, तो छज्जो नगर जाएंगे, असावटा जाएंगे, फिर वहाँ से कुशलीपुर होते निकलेंगे, 15 किलोमीटर चक्कर पड़ता है। किसी इमरजेंसी की हालत में वो लोग नहीं आ सकते। 4 साल से ये लोग जो बिल्कुल पलवल के नज़दीक और यहाँ आने के लिए 15 किलोमीटर चक्कर काटने, आप सोच के देखो कितनी बड़ी परेशानी होगी उन लोगों को। तो परेशानियाँ बहुत है जी। अभी हमारा दिक्कत कहाँ है, काम काज हो क्यों नहीं रहा है? दिक्कत का तो ऐसा है जी, जो ठेकेदार है ना जी, जो भी ठेकेदार है, ये पिछले 4 साल से 10 दिन काम करता और 4 महीने खो जाता है। 4 महीने तक ना इसका कोई आदमी दिखाई देता है, ना यहाँ पर इसका सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है जी, अभी 2 दिन काम स्टार्ट हुआ था, हमें लगा कि शायद काम चलेगा, फिर से बंद हो गया, तो हमें मजबूरन फिर यहाँ पर आना पड़ा कि इस तरीके से तो अगले 4 साल काम और नहीं होने वाला। अगर रेगुलर काम चले तो अब तक ये कभी का बन जाता। जितने हमारे साथ स्थानीय दुकानदार, स्थानीय निवासी और आसपास के गांवों के लोग, जिनका कहना है कि 4 साल से ये जो रेलवे का पुल का फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लंबित पड़ा है, ये रास्ता भी इसकी वजह से रुका पड़ा है, जो काम काज है यहाँ का वो भी ठप है, छोटे छोटे बच्चे बारिश के मौसम में स्कूल नहीं जा सकते, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसके रेलवे जो फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ये जो हाई जो रोड है इसको भी जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि उनके काम काज शुरू हो सकें। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो यहाँ के दुकानदार हैं, ये अपनी दुकानें बंद करके भी यहाँ से दूसरी जगह जा चुके हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जल्द प्रशासन को जल्द से जल्द चाहिए इस कामकाज को शुरू कराएं ताकि लोगों को परेशानी कम हो और अपना कामकाज फिर से सुचारू रूप से चला सके। पलवल से दृश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।